हेलो फ्रेंड्स, तड़का हट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई। क्योंकि अब गर्मी आ गई तो गर्मी में हमें ठंडी ठंडी चीजें पसंद होती हैं पीने के लिए, तो हम आज बनाएंगे ठंडाई। आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिन्हें हमने 2-3 घंटे के लिए सोक कर लिया था। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। हमने ये 15-20 बादाम लिए थे जिन्हें भिगोने के बाद हमने उनका छिलका उतार दिया है। 2-3 टेबल हमने वो लिया था पिस्ता, जिसे भी हमने उसे भी भिगो लिया था। ये हमने लिए हैं तरबूज के बीज, इसे भी हमने भिगो लिया था। साथ में हमने 10-15 काजू लिए हैं, उन्हें भी हमने भिगो लिया था। मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें खसखस, 2 टेबल स्पून हमने खसखस लिया था, उसे भी हमने भिगो लिया था। भिगो के इसका पानी छान के अलग कर लिया है। केसर चाहिए हमें, हमें गुलाब जल चाहिए। अगर आपके पास सूखे हुए गुलाब के पत्ते हों तो आप उनका यूज़ कर लें, मेरे पास नहीं अवेलेबल थे इसलिए मैं इसमें गुलाब जल का यूज़ करूँगी। साथ में हमने एक दालचीनी की छोटी स्टिक ली है, 2-3 हमने लिए हरी इलायची और 2-3 दाने हमने लिए हैं काली मिर्च के। साथ में हमें चाहिए चीनी और 1 लीटर दूध लिया हमने। आइए चलिए हम सबसे पहले अपने ड्राई जो स्पाइसेस हैं उनको पीस लेते हैं। हमने जो हमारे ड्राई स्पाइसेस थे उन्हें हल्का हल्का पीस लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले जो हमारा खसखस था, ये थोड़ा टाइम लेता है पीसने के लिए, उसे डालेंगे और 2-3 लीव्स हम डालेंगे इसमें केसर की, और साथ में हम डाल देंगे जो हमने गुलाब जल लिया। अगर आपके पास गुलाब के पत्ते हों तो आप उनका यूज़ कर लें, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको हम पीस लेंगे। एक पैन में हम अपना जो हमने 1 लीटर दूध लिया है उसे अच्छे से खौला लेंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भी सारे हमने भिगोए हैं उन्हें भी सारे को एक में मिक्स करके पीस लेंगे। थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम 2-4 हमें बचा लेने हैं, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हम मिक्सी में पीस लेंगे, एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल इस तरीके का एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है जो कि हमने तैयार कर लिया। हमारा जो मिल्क है वो बॉयल हो रहा है। फ्रेंड्स, हमारा दूध बॉयल हो रहा है, उसमें हम अपनी ये हमने शुगर ली थी उसे डाल देंगे। कुछ पत्तियां हम अपने कलर के लिए केसर की डालेंगे, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, और इसको बहुत अच्छे से बॉयल होने देंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा दूध जो है अच्छे से बॉयल हो गया है, उसमें जो हमने ये अपना पेस्ट बनाया है उसे हम डाल देंगे और उसे बहुत अच्छे से मिला के खौला लेंगे। और जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और खौल जाए फिर हम इसको ठंडा करके सर्व करेंगे, क्योंकि ठंडाई एकदम ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, देखिए हमारी ठंडाई का जो पेस्ट था वो अच्छे से दूध में मिल चुका है और इसमें अच्छे से उबाल भी आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो ठंडाई है वो चिल्ड हमने फ्रिज से सर्व कर लिया ग्लास में। अब हम इसे कुछ पिस्ता और बादाम के छोटे छोटे स्लाइसेस से गार्निश करेंगे। जो हमने बचा हुआ हमारा भीगा हुआ पिस्ता और बादाम था उससे हमने इसे गार्निश कर लिया है, और 1-2 लीव्स हम इसमें केसर के डालेंगे जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ये हमारी डेकोरेशन को भी गार्निशिंग को भी पूरा कंप्लीट करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल के बटन को भी पुश करें। थैंक यू।